आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 27। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा चैनल को, सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज़ एट प्रॉपर टाइम। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वर्कशीट। वर्कशीट कहती है टुडे वी आर गोना टॉक, वर्कशीट नंबर है 27 एंड द डेट दैट वी आर सपोज टू मेंशन इज 5 सितंबर 2020, और आज है टीचर्स डे। आप जानते हैं टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पर आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू मेक अस गुड टीचर्स बिकॉज योर रिस्पॉन्स, योर एफर्ट्स एंड योर कमेंट्स मेक अस शेप अप एज अ बेटर टीचर। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर्स यू विल राइट डाउन बेटा। लेट्स गेट टू द वर्कशीट बिफोर टॉकिंग ऑल दिस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीक विल लर्न अबाउट मोडाल्स। मोडाल्स होता क्या बच्चे? मोडाल्स होती हैं मेन वर्ब के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं, करती हैं। ठीक है बेटा, मोडाल्स आर वर्ब्स दैट टेल मोर अबाउट, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं मोडाल्स। एक्सप्रेस क्या दिखाते हैं मोडाल्स? प्रॉबिलिटी, काम को होने की प्रॉबिलिटी, नेसेसिटी ज़रूरत, परमिशन आज्ञा। वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रॉबिलिटी। दिस वीक हम लोग पढ़ने वाले हैं मोडाल्स ऑफ प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी मतलब किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉबिबिलिटी। कम चांसेस हैं तो इम्पॉसिबल, ज़्यादा चांसेस हैं तो पॉसिबल, और अगर बिल्कुल 100% चांसेस हैं तो सर्टेन हो गया, हाँ जी होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है, समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चे, और उसमें ये वाली यूज़ होती हैं, हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इम्पॉसिबिलिटी, कैन नॉट, कुड नॉट। कैन मतलब सकना, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। ठीक है बच्चे, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और कैन ज़्यादा स्ट्रांग है कुड से, कैन में ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कुड की बजाय। ठीक है बच्चे, उसके बाद मस्ट, मस्ट में सर्टेन होती है चीज़, मतलब काम होगा ही होगा, इट इज़ सर्टेन। नाउ लेट अस रीड सम एग्जाम्पल। सेंटेंस है राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो, कल शायद वो अपनी दुकान खोलेगा। प्रॉबिलिटी है इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह मे ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती, प्रेजेंट में है ना, शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल दिखा रहा है वो कि हो ही नहीं सकती। आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours back, क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने देखा था 2 घंटे पहले वो खेल रही थी। यू मस्ट बी थर्स्टी, आपको प्यास लगी होगी, प्रेजेंट है। ठीक है, सर्टेन है। यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि आपके पास वाटर बॉटल नहीं है तो आपको प्यास लगी होगी। नीतू मैम कुड हैव गोन टू स्कूल लास्ट वीक, शायद वो पिछले वीक नहीं जा सकी, पिछले वीक शायद वो स्कूल नहीं जा सकी थी। पास्ट है, इम्पॉसिबल है, शी वॉज क्वारंटाइन एट होम फॉर लास्ट 10 days, क्योंकि उनको वो तो क्वारंटाइन थी तो वो स्कूल तो जा ही नहीं सकती। खेमू मस्ट बी हेयर, खेमू यहाँ आया होगा। प्रेजेंट है, सर्टेन है। आई सॉ हिज साइकिल आउटसाइड द होम, मैंने घर के बाहर उसकी साइकिल देखी। राजी कुड हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, राजी ने कॉम्पिटिशन जीत लिया होगा, जीत लिया होगा। कुड है, पास्ट दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। शी हैज़ अ गुड वॉइस, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है तो शायद उसने जीत लिया होगा। ठीक है बच्चे, नाउ लेट्स गेट टू द सेंटेंसेज एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ क्या क्या मॉडल्स आ सकते हैं। भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिड नॉट हैव सफिशियंट मोबाइल डाटा। भूषण कैन नॉट या कुड नॉट, ये बता दीजिए बस। कुड नॉट, कारण बताती हूँ मैं बच्चे, क्योंकि ही डिड नॉट, उसके पास पास्ट है। डिड नॉट क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि आज की बात नहीं हो रही, पीछे की बात हो रही है, तो वो क्या आएगा? कुड नॉट। क्या आएगा बच्चे? कुड नॉट। क्लियर। गीताज कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल, उसका नंबर अनरीचेबल है। शी डैश हैव गॉन टू हर होम टाउन, शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन। हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं एक बार वो भी देख लें। हम लोग यूज़ कर सकते हैं मे, माइट, कैन, कुड, कैन नॉट, मस्ट। ठीक है बच्चे, तो शी मस्ट हैव, शी मस्ट हैव भी हो सकता है बच्चे, और यहाँ कुड हैव भी हो सकता है या माइट हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स क्योंकि हमें नहीं पता कि गीता कौन है और हमें पूरी सिचुएशन नहीं पता, तो शी मस्ट हैव इज़ द मोस्ट प्रॉबेबल, क्योंकि अनरीचेबल फ़ोन तभी होता है जब वो अपने गांव जाती है, तो कहने वाले की सेंस पर डिपेंड करता है। शी मस्ट हैव।
अच्छा, मस्ट अकेले नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है. कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? थर्ड फॉर्म. और आपको पता है अगर हम सिंपली लिख रहे हैं किसी भी मोडाल को, तो मोडाल के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर मोडाल के साथ बी या हैव लग जाता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करते हैं. क्लियर है बच्चे? मोडाल के साथ अगर आपका बी या हैव जुड़ा हुआ है तभी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज मोडाल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. द टीम इज़ प्लेइंग वेल, दे मस्ट विन. बहुत अच्छा खेल रही है टीम तो वो ज़रूर जीतेंगे. द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड. इट मे बी फुल ऑफ जर्म्स या इट माइट बी फुल ऑफ जर्म्स. खुला छोड़ दिया काट के तो इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होंगे. इट इज़ संडे टुडे. वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे. वी मे ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे. आज हम एक मीटिंग कैन. वी मे या वी कैन दोनों आ सकते हैं, नो इश्यूज़ विद दैट. मैं भी आ सकता और कैन भी. वी कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे. वी मे और कैन यहाँ पर ज़्यादा एप्ट है. कैन इज़ बेटर ऑप्शन देन मे. वी कैन हम कर सकते हैं. यू आर गोइंग आउटसाइड आप जा रहे हो बाहर. यू मस्ट वेयर अ मास्क. इसमें तो मस्ट ही लगाना और कुछ लगाना भी मत, तुम्हें ज़रूर मास्क पहनना है, ज़रूर. ठीक है बच्चे? आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई. इट मे रेन. इट मे रेन. आई कैन सी, मेरे को दिख रहे हैं डार्क क्लाउड्स हैं तो शायद बारिश हो. इट मे रेन. इफ़ यू डोंट हरी वी वुड बी लेट, कुड बी लेट, माइट बी लेट, मे बी लेट, मस्ट बी लेट. बताइए क्या आएगा? वी कुड बी आएगा. और देखना लेट है बच्चे, लेट यहाँ वर्ब नहीं है, लेट इज़ नॉट वर्ब. तो हमें जो भी हमारे पास है उसके साथ बी लगाना पड़ेगा मोडाल के साथ ताकि एक वर्ब आ जाए और एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक मोडाल आ जाए. तो इफ़ यू डोंट हरी वी माइट बी लेट. वी माइट बी लेट. यू हैव रेड द स्टोरी. यू मस्ट नो द आंसर. तुमने स्टोरी पढ़ी है, तुम्हें आंसर पता होगा. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट. आई मे फिनिश इट टूडे. आई मस्ट फिनिश इट टूडे. मे भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, क्योंकि देखिए उसने कहा मैंने ये काम काफ़ी देर में शुरू किया प्रोजेक्ट पे. आई माइट फिनिश इट टूडे. क्या मैं शायद मैं आज कर दूँ, या फिर आई मस्ट फिनिश इट टूडे. आज तो मैं ख़त्म करूँगा ही करूँगा. ठीक है बच्चे? तो आई माइट. ठीक है बच्चे? कोई डाउट? मोडाल्स में जब तक हम पूरी सिचुएशन नहीं जानते तो कई सारे उनको इंटरचेंज कर सकते हैं. लेकिन पूरी सिचुएशन अगर पता हो, आगे पीछे का पूरा पैराग्राफ पता हो, तो हमें क्लियरली पता होता है कि वो क्या कहना चाहता है. जब हमें ऑड आउट ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं, वी टेक रैंडम सेंटेंसेस, तो कई बार हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और जो दोनों ही करेक्ट होते हैं. आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई. मिलते हैं अगली वर्कशीट में. बाय बच्चों. हैप्पी टीचर्स डे.